हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा काम शुरू हो रहा है। अभी आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता और ये वाली मिर्ची। ये वाली मिर्ची ये मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। वो इसमें बीच में बेसन भर के बनाती हैं। वो कैसे बनाती हैं वो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊँगी। उन्हें बहुत पसंद है। और मैं आपसे ये कहना चाहती थी, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, बस मेरे को बहुत खुशी मिलती है न्यू सब्सक्राइबर आता है तो। और मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया था और सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी मिर्ची बनाने की रेसिपी। क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ओल्ड हैं तो एक एज के बाद इंसान को खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें तलाशता है जिनके साथ कुछ टेस्ट आए और खाना उन्हें बहुत अच्छा लगे। तो मेरी सासू माँ ये मिर्ची का टेस्ट तलाश करती हैं और उन्हें इसमें बीच में बेसन रख के बहुत पसंद है। उसके साथ वो खाना अच्छे से खा पाती हैं। तो ये मैं कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अपनी मिर्ची की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है ऐसी 8-10 मिर्चा ली है। ऐसे करके आप देखिए, ये 8-10 मिर्चा ली है और इतनी सी पिसी चीनी और ये थोड़ा सा बेसन और एक लहसुन इतना बड़ा और बस थोड़ा सा नमक और ये विनेगर है। या विनेगर की जगह खट्टे के लिए, खट्टी मीठी मिर्चा बनती है तो विनेगर के लिए आप एक नींबू भी ले सकते हैं, लेमन, जितना आपके पास जितना खट्टा आप खाना चाहें उतना ज़्यादा आप इसे डाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसन को ऐसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा भून लेंगे। इसे भूनने के लिए रख देंगे और जब ये लाल लाल हो जाएगा सब गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए कि ये ठंडा हो जाए, जिससे हम लोग इसमें और चीज़ें ऐड कर सकें। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, बस थोड़ा सा नमक, क्योंकि मिर्च में मिर्ची तो होती है इसलिए मिर्ची मसाला कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस मिर्चा को बीच से थोड़ा सा कट लगा देंगे, जैसे अचार की मिर्चा में कट लगाते हैं। और ये बेसन को हम लोग धीरे धीरे ऐसे भूनते रहेंगे और इधर मिर्चा को अच्छे से धो के फिर इसमें ऐसे लंबा कट लगाएंगे और तब और सामान मिक्स करेंगे और मैं फिर आपको भी दिखाती हूँ करके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बेसन भून गया है। अब इसमें ये जो मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली थी, या इसे बूरा भी बोलते हैं, वो कोई आप डाल सकते हैं, वो इसमें ऐसे डाल देते हैं। और ये मैंने लहसुन क्रश करके रखा था, इसे भी डाल देंगे इसमें। पूरा एक लहसुन था जो गोल गांठ होती है पूरी। और ये मैंने गन्ने वाला सिरका लेके रखा था, ये खटास के लिए डालते हैं ऊपर से। और ये जो हमने बनाया बेसन का, वो थोड़ा गीला भी हो जाए इसलिए भी डालते हैं। और जिनके यहाँ सिरका नहीं अवेलेबल हो तो वो लेमन भी डाल सकते हैं खट्टे के लिए। अब जैसे आटा सानते हैं ऐसे इसको कर लेते हैं। और अगर आपको सूखा लगे कि वो भरने में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा और ज़्यादा सिरका डाल दीजिए। इतना डाल दें कि वो आराम से ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट मैटर बन जाए, जो मिर्चा में भरने में आसानी रहेगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिन लोगों को खाना पसंद नहीं आता है, जिनको ना अच्छा लगता हो, तो वो ऐसा बना के मिर्चा के साथ खाएं। वैसे भी हरी मिर्चा बहुत टेस्टी लगती है और वो नुकसान भी नहीं करती है, इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें बना के रखनी चाहिए। जैसे घर के बुजुर्ग लोग जिनको खाना अच्छा नहीं लगता है या आप लोगों को भी में से किसी को खाना अच्छा नहीं लगता है तो वो इसके साथ खाएंगे तो मिर्चा के साथ वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। एक बार आप बना के जरूर देखिएगा। अभी मिर्चा ऐसे बीच से कट कर ली है और अब इसमें ऐसे ऐसे उसको भर देंगे। बस इसमें नमक है, थोड़ा सा पिसी चीनी है और सिरका है और पिसा हुआ लहसुन है। बस इसमें ऐसे ऐसे इसको फिल कर देंगे बिल्कुल और इसे ऐसे करके बंद कर देंगे।
बस ये ऐसे ही भर भर के पूरी मिर्चा रख लेंगे। खूब ये मोटी वाली मिर्चा रहती हैं तो इनमें ऑलरेडी मिर्चा ज़्यादा होती ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। अभी मैं मिर्चा तो ज़्यादा है लेकिन अभी मैं चार मिर्चा पर ट्रायल बता देती हूँ। अभी मैंने ये चार भर के रख ली हैं। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, गैस ऑन कर देती हूँ। मैंने ऑयल डाल दिया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा, ये मैं इधर साबूदाना भी बना रही हूँ मम्मी के लिए, और ये पैन में डाल के ऑयल मैंने ये मिर्चें ऐसे डाल दी है, और अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे जिससे एक साइड से ज़्यादा मिर्चा ना जल जाए। फ्रेंड्स, 5 मिनट तक मैंने कढ़ाई पे ये मिर्चा पकाई हैं और अब ये मिर्चा कुछ इस टाइप से बन गई हैं। तो आप भी अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं खट्टी मीठी मिर्चा, इसमें ज़्यादा मिर्चा भी नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना अमूल टाइम दिया हमारी मिर्चा की रेसिपी देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आपकी अपनी फ्रेंड्स मधु ब्लॉगर। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।